हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। मेरा आज का जो वीडियो है असम राइफल, जी असम राइफल में जो आप लोग की रिक्रूटमेंट आई हुई है, इसकी जानकारी मैं आप लोग को अपने इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखेंगे ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से मिस ना हो। यदि आप लोग भी असम राइफल की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं या फिर असम राइफल में अप्लाई करना चाहते हैं, क्या क्वालिफिकेशन होती है, एज होती है, पूरी जानकारी आप लोग को मेरी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप लोग देख सकते हैं ये असम राइफल की जो वेबसाइट है, ठीक है। इसके बाद जो मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ ये है आप लोग का असम राइफल की जो नोटिफिकेशन है, ठीक है। नोटिफिकेशन आप लोग का है जो एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट थ्रॉट कंपनसेशन ग्राउंड अपॉइंटमेंट स्कीम ऑफ असम राइफल। तो ये जो आप लोग की रिक्रूटमेंट है ये कंपनसेशन ग्राउंड की अपॉइंटमेंट है, मीन्स इसका मतलब आप लोग का क्या होता है, इसकी जानकारी मैं आप लोग को देने वाला हूँ। तो इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है 1 मार्च 2021 रहने वाली, यानी कि इसमें आप लोग जो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ, इसमें आप लोग के ऑफलाइन अप्लाई होने, जी हाँ, फॉर्म आप लोग को ऑफलाइन भेजना है, ऑफलाइन ही आप लोग को डॉक्यूमेंट लगा के भेजने हैं, सारे काम ऑफलाइन करने हैं। इसके अलावा जो भी फॉर्म वगैरह जो डॉक्यूमेंट वगैरह है उसको स्कैन करके आप लोग को जो है मेल भी करना है। पूरी जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलेगी, वीडियो आप लोग लास्ट तक देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग को कंपनसेशन ग्राउंड का मतलब बता दूँ, ये जो रिक्रूटमेंट आप लोग की जो है ये असम राइफल जो पर्सनल किंडल एक्शन, यानी कि जो सर्विस में जो जो व्यक्ति मतलब जो शहीद हो जाते हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो सर्विस में डिस्चार्ज मेडिकल ग्राउंड वगैरह, ठीक है, मिसिंग हो जाते हैं जो सर्विस के दौरान, तो उनके जो मीन्स पुत्र पुत्री होते हैं, ठीक है, उनके लिए ये वैकेंसी आप लोग की होती है, ठीक है। और भी डिटेल आप लोग को मेरी नीचे मिलने वाली है। इसके अलावा यदि आप लोग भी असम राइफल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसमें आप लोग को पूरी जानकारी मिलने वाली है असम राइफल की क्वालिफिकेशन एज वगैरह की, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑफलाइन आप लोग का जो है यहाँ पे अप्लाई होगा, जिसके बारे में मैंने आप लोग को बता दिया है, थ्रॉट मेल वगैरह भी आप लोग को करनी है, ठीक है। 6 अप्रैल जो है आप लोग की यहाँ पे रैली होगी, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। और लास्ट डेट आप लोग की 1 मार्च 2021 है, 1 मार्च 2021 से पहले पहले आप लोग को भेज देना है। और इसमें आप लोग को डिटेल दी हुई है, वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, ठीक है, इसके बारे में बताया हुआ, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। वैकेंसी की डिटेल दी हुई है, ठीक है। असम राइफल में जो वैकेंसियाँ निकलती है वो इसी प्रकार से निकलती हैं, आप लोग देख सकते हैं। राइफल मैन यानी कि जनरल ड्यूटी, जैसे आप लोग ट्रेड्समैन होते हैं इन्हें राइफल मैन बोला जाता है, ठीक है। राइफल मैन की वैकेंसी है, ट्रेडमैन जीडी जनरल ड्यूटी जीडी की 87 वैकेंसी है, इसके अलावा कलर की 15 है, ठीक है। वारंट ऑफिसर की वैकेंसी होती है, इसी प्रकार से राइफल मैन यानी कि ट्रेड्समैन में आप लोग की जो टेक्निकल वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल लाइनमैन, रेडियो मैकेनिकल वगैरह, ठीक है, सब राइफल मैन की, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कुक वगैरह की, तो ये आप लोग के ट्रेड्समैन होते हैं, ठीक है। इनकी वैकेंसी टोटल आप लोग की 134 वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है। इसके अलावा आप लोग को एलिजिबिलिटी के बारे में बताया गया है, तो देखिए मैंने आप लोग को पहले ही यहाँ पे बताया था, तो यहाँ पे आप लोग को हिंदी में भी बताया गया, आप लोग देख सकते हैं। असम राइफल में अनुकंपा के आधार पर निम्नलिखित श्रेणी जो है असम राइफल कर्मियों के एक आश्रित ही भर्ती है, यानी कि उनके एक आश्रित को ही जो है घर के एक उनके जो परिवार का जो सदस्य है उनके एक आश्रित को ही यहाँ पे नौकरी दी जाएगी। तो वो किस प्रकार से होने चाहिए, यानी कि जो भी व्यक्ति है लड़ाई या उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए सैनिकों के आश्रित, यानी कि जो एम्प्लॉई हैं जो लड़ाई में या फिर उग्रवादियों के साथ जो मुठभेड़ में शहीद हो गए हैं उनके जो पुत्र पुत्री हैं उनके लिए जॉब है। इसके अलावा सर्विस के दौरान कोई मतलब मृत्यु हो गई है तो उनके आश्रितों के लिए है। मेडिकल ग्राउंड में जो मीन्स किसी कारणवश मीन्स मृत्यु होती है तो उनके लिए है। इसके अलावा सर्विस के दौरान जो व्यक्ति गायब हो जाते हैं, ठीक है, गुमशुदा हो जाते हैं, तो उनके पुत्र पुत्रियों के लिए वैकेंसी है, तो उनके लिए आप लोग की जो FIR वगैरह होनी चाहिए, पूरी डिटेल आप लोग की होनी चाहिए। हाउ टू अप्लाई मैंने आप लोग को बता दिया है, यहाँ पे आप लोग को जो है सेल्फ अटेस्टेड जो भी आप लोग की कॉपीज है, एक्सपीरियंस वगैरह, एजुकेशन वगैरह, ठीक है, और फॉर्म वगैरह, डोमिसाइल वगैरह सब कुछ जो है आप लोग को भेजना है। इसके अलावा आप लोग को वोटर आईडी कार्ड वगैरह, आप लोग को एड्रेस दिया हुआ ये मेघालय का एड्रेस है, यहाँ पे आप लोग को जो ऑफलाइन अप्लाई करके भेजना है, यानी ऑफलाइन फॉर्म करके भेजना है। इसके अलावा आप लोग को जो सभी डॉक्यूमेंट्स हैं, अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ देयर एप्लीकेशन, यानी कि सभी डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी, फॉर्म की स्कैन कॉपी आप लोग को यहाँ पे मेल भी करनी है, इस चीज़ का आप लोग जो है ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें आप लोग को बताया गया है कि रिजेक्शन के कारण, तो रिजेक्शन का क्या कारण हो सकता है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मीन्स रिक्रूटमेंट रैली में आप लोग जो लेट यहाँ पे आप लोग का जाता है, ठीक है, फॉर्म वगैरह की डिटेल है, ठीक है, इसमें आप लोग को दिक्कत नहीं है। फॉर्म जो है आप लोग का सही समय पे पहुँचना चाहिए, यानी कि 1 मार्च तक आप लोग का फॉर्म पहुँच जाना चाहिए। इसके अलावा आप लोग को यहाँ पे प्रियोरिटी दी गई है, प्रियोरिटी किसको दी जाएगी, जो कि व्यक्ति किल्ड इन एक्शन यानी कि जो लड़ाई में जो मारे गए हैं उनको प्रियोरिटी दी जाएगी, डाइड इन सर्विस के दौरान जो मारे गए हैं, ठीक है, इनको प्रियोरिटी दी गई है, किसको प्रियोरिटी दी जाएगी, मेडिकल ग्राउंड में जो एक्सपायर हुए हैं या फिर मीन्स मेडिकल ग्राउंड, यहाँ पे आप लोग को डिटेल दिए, ठीक है, मेडिकल अनफिट कर दिए गए उनके पुत्र पुत्री हैं। इसके अलावा मिसिंग हो गए हैं जो जॉब के दौरान मिसिंग हो गए उन्हें जो प्रियोरिटी 6 नंबर पर प्रियोरिटी
नौकरी दी जाएगी, ठीक है। जो लोग मिसिंग हो जाते हैं उनके पुत्र पुत्रियों को भी यहाँ पे जॉब दी जाती है, तो कुछ टाइम तक उन्हें देखा जाता है, उसके बाद ही आप लोग का जो प्रोसेस होता है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं डिपेंडेंट फैमिली के बारे में बताया गया, डिपेंडेंट कौन होते हैं, कौन डिपेंडेंट कहलाएंगे, या तो जो व्यक्ति मतलब शहीद हुए हैं उनके पति पत्नी जो भी हैं, ठीक है। और इसके अलावा पुत्र हैं, चाहे आप लोग वो पुत्र जो है अडॉप्ट किए गए हों, पुत्री जो चाहे वो अडॉप्ट की गई हो, ठीक है। तो ये लोग जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जो है ब्रदर सिस्टर है वो भी अप्लाई कर सकते हैं उन कैंडिडेट्स के, ठीक है। लेकिन वो ब्रदर सिस्टर जो है वो अनमैरिड होने चाहिए और गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं होने चाहिए, ओनली फुल्ली जो है आप लोग यहाँ पे डिपेंडेंट होने चाहिए, तभी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ब्रदर सिस्टर। और इसके अलावा आप लोग को स्टैंडर्ड बताया गया है जीडी की पोस्ट के लिए, यहाँ पे आप लोग स्टैंडर्ड देख सकते हैं 170 मेल और 157 फीमेल, 80-85 जो है यहाँ पे आप लोग की चेस्ट होनी चाहिए। और इसके अलावा एसटी वालों को 162.5 150 सेंटीमीटर फीमेल और 76-81 आप लोग की यहाँ पे चेस्ट होनी चाहिए। इसके अलावा शेड्यूल ट्राइब नॉर्थ ईस्ट स्टेट से आते हैं 157-147.5 फीमेल, इसके अलावा 76-81 मेल कैंडिडेट की जो यहाँ पे चेस्ट होनी चाहिए। इसी प्रकार से आप लोगों को पूरी जानकारी दी हुई है, ठीक है, और इसमें आप लोग पूरी देख सकते हैं। और इसके अलावा जैसे ही नीचे आते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड आप लोग को दिया हुआ है कलर की पोस्ट के लिए और वारंट ऑफिसर के लिए। वारंट ऑफिसर के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 165 मेल और फीमेल 155 होती है, नॉर्मल 57 और फुलाव के बाद 82 यहाँ पे चेस्ट आप लोग की होनी चाहिए। और यदि आप लोग गढ़वाली कुमायूं डोगरा इन स्टेटों से हैं तो आप लोग 165.5 मेल कैंडिडेट 150 फीमेल 77-82 आप लोग की यहाँ पे चेस्ट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट। और इसके अलावा एसटी हैं तो आप लोग 165.5 और 150 फीमेल 76-81 आप लोग की चेस्ट होनी चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड आप लोग को बताया हुआ है, वारंट ऑफिसर रेडियो, इसके अलावा आप लोग को राइफलमैन्स की सभी की जानकारी दी हुई है, बार बार कुक सफाई कर्मचारी वाशरमैन यानी कि जो ट्रेड्समैन होते हैं, ठीक है, इनकी डिटेल दी गई है। तो 177 आप लोग की हाइट होनी चाहिए, 80-85 चेस्ट होनी चाहिए। गढ़वाली कुमायूं डोगरा वगैरह हैं आप लोग तो यहाँ पे 165 आप लोग की हाइट होनी चाहिए और 78-83 आप लोग की यहाँ पे चेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। एसटी वालों को बताया गया 162.5 मेल कैंडिडेट और 76-81 जो है आप लोग की यहाँ पे चेस्ट होनी चाहिए। इसी प्रकार से आप लोग की वारंट ऑफिसर फार्मासिस्ट राइफलमैन व्हीकल मैकेनिक वगैरह में बताया हुआ 170 आप लोग की यहाँ पे हाइट होनी चाहिए, फीमेल है तो 157 और चेस्ट आप लोग की मेल कैंडिडेट 80-85 आप लोग की यहाँ पे होनी चाहिए। इसके अलावा यदि आप लोग गढ़वाली कुमायूं हैं और आप लोग जो है एसटी से आते हैं तो उसकी डिटेल आप लोग को यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा आप लोगों को बताया गया फॉलोइंग जो है रिलैक्सेशन आप लोग को यहाँ पे दी जा सकती है, कंसीडर किया जा सकता है कंप्लीट जो अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है, कंपनसेशन ग्राउंड के थ्रू जो यहाँ पे जो भर्ती होगी इसमें आप लोग की हाइट में 7.5 सेंटीमीटर, चेस्ट में 6 सेंटीमीटर, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडेंट के बाद आप लोग को 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। इसके अलावा अपर एज यदि आप लोग की है 15 ईयर और इन केस ऑफ यदि आप लोग वीडियो हैं तो 40 ईयर, मैक्सिमम वेट जो है मैक्सिमम जितना भी पॉसिबल, ठीक है, इतना आप लोग को जो यहाँ पे छूट दी जा सकती है कंपनसेशन ग्राउंड के अंदर यदि आप लोग भर्ती लेते हैं। इसके अलावा फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में आप लोग को बताया गया, मेल कैंडिडेट आप लोग देख सकते हैं लद्दाख रीजन को छोड़ के 5 किलोमीटर 24 मिनट में, इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में आप लोग का होने वाला है। लद्दाख रीजन से है तो मेल कैंडिडेट 1.6 किलोमीटर आप लोग जो है 6.5 मिनट में, फीमेल कैंडिडेट 800 मीटर 4 मिनट का आप लोग को टाइम मिलने वाला है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग को रिटेन एग्जाम आप लोग का नहीं होगा, स्किल टेस्ट होगा यानी कि आप लोग का यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होना है, ट्रेड टेस्ट के बाद आप लोग का जो है डीएमई यहाँ पे होने वाला है, ठीक है, डीएमई आरएमई आप लोग का जो है यहाँ पे होने वाला है। इसके साथ साथ आप लोग को जो है डिटेल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप लोग को लेके जाने हैं। डीएमई के बारे में आप लोग को बता दिया गया पूरी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा यदि आप लोग डीएमई में आप लोग कुछ मीन्स ऑब्जेक्शन होता है तो आप आरएमई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट आप लोग की बता दी गई, इसके बाद आप लोग की मेरिट लिस्ट लगेगी, कोई डीएटी आप लोग को नहीं मिलेगा, कट ऑफ वगैरह आप लोग की जो अपलोड कर दी जाएगी। और इसमें आप लोग को मींस एजुकेशन के बारे में बताया गया है, तो जनरल ड्यूटी के लिए बोथ मेल फीमेल राइफलमैन यानी कि ट्रेड्समैन के लिए आप लोग 10th पास होनी चाहिए तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, 18-23 साल आप लोग की एज होनी चाहिए। कलर के लिए बोथ मेल फीमेल दोनों ही, ठीक है। हवलदार की पोस्ट है आप लोग की जो इसमें 10+2 पास आप लोग होनी चाहिए, 18-25 साल है तो अप्लाई कर सकते हैं। स्किल की जानकारी यानी कि आप लोग को जो यहाँ पे इंग्लिश में 35 वर्ड और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट आप लोग की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और पर्सनल असिस्टेंट यानी कि पीए वारंट ऑफिसर के लिए 10+2 पास आप लोग यहाँ पे होने चाहिए। स्किल के बारे में आप लोग को बता दिया, 10 मिनट 80 वर्ड पर मिनट और ट्रांजेक्शन टाइम आप लोग को 50 मिनट्स इन इंग्लिश 65 मिनट इन हिंदी कंप्यूटर पे आप लोग को होना चाहिए। 18-25 साल आप लोगों की एज यहाँ पे रहती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल फीटर मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 10th पास है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड के बारे में जानकारी दी, 18-23 साल आप लोग की होनी चाहिए, ठीक है। राइफलमैन की आप लोग की पोस्ट है। इसके अलावा लाइनमैन फील्ड मेल कैंडिडेट ओनली, राइफलमैन की पोस्ट है, दैन पाते तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोग की आईटीआई होनी चाहिए, 18-23 साल आप लोग की यहाँ पे एज रखी है। ट्रेड टेस्ट के बारे में आप लोगों को बताया गया। रेडियो मैकेनिक की पोस्ट के लिए मेल कैंडिडेट है, वारंट ऑफिसर 10th पास आप लोग हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोग को जो है डिप्लोमा होना चाहिए रेडियो एंड टेलीविजन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रोशियन या फिर टेलीकम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक वगैरह में, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप लोगों ने 12th पास
और इक्विवेलेंट एग्रीगेट मार्क 50% होनी चाहिए आप लोग के फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड से। तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 25 साल है तो अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड टेस्ट की जानकारी आप लोग नीचे दी गई है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग को आर्मेचर की है, इलेक्ट्रीशियन की है, ठीक है। आर्मेचर के लिए आप लोग जो है 10th पास है 18 से 23 साल, इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक व्हीकल के लिए आप लोग 10th पास है 18 से 23 साल, व्हीकल मैकेनिक मेल कैंडिडेट के लिए आप लोग के 18 से 23 साल, ठीक है। आप लोग की मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल होनी चाहिए, इंग्लिश मैथ एंड साइंस एंड डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि या फिर ITI आप लोग के पास होना चाहिए तो व्हीकल मैकेनिक के लिए। तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ट्रेड टेस्ट की जानकारी दी गई। इलेक्ट्रिकल मेल कैंडिडेट के लिए 10th पास है 18 से 23 साल, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ट्रेड टेस्ट की जानकारी आप लोग को दी गई है। इसके अलावा प्लंबर के लिए 10th पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग के पास होनी थी ITI 18 से 23 साल, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं प्लंबर की पोस्ट के लिए। इसके अलावा फार्मेसिस्ट के लिए 10+2 तो यहाँ आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री डिप्लोमा आप लोग होनी चाहिए फार्मेसी में, 20 से 25 साल आप लोग की एज दी गई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वारंट ऑफिसर की पोस्ट है, ट्रेड टेस्ट की जानकारी आप लोग को दी गई है। इसके अलावा आप लोग जो हवलदार एक्सरे टेक्नीशियन की पोस्ट है 10+2 पास होनी चाहिए, आप लोग के पास डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोलॉजी में, आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड टेस्ट की जानकारी दी, 18 से 23 साल आप लोग की एज यहाँ पे रखी गई है। इसके बाद आप लोग की फीमेल अटेंडेंट की पोस्ट है 10th पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 23 साल आप लोग की एज होनी। बार बार की पोस्ट है, ठीक है, 10th पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 23 साल आप लोग की एज रखी गई है। कुक की पोस्ट है 10th पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 23 साल आप लोग की एज होनी चाहिए। और इसके अलावा आप लोग की जो है बूट रिपेयर की पोस्ट है, ठीक है, 10th पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 23 साल आप लोग की एज होनी चाहिए। सफाई की पोस्ट है, इसमें आप लोग की जो है 10th पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 23 साल आप लोग की एज रखी है। तो पूरी जानकारी आप लोग को मिल रही है, वाशरमैन मेल कैंडिडेट हैं तो आप लोग 10th पास है तो 18 से 23 साल है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह आप लोग को जमा करने पड़ेंगे, यदि आप लोग मीन्स ट्रेड टेस्ट वगैरह के टाइम आप लोग को पे स्केल के बारे में जानकारी दी है, पूरी जानकारी आप लोग को दे दी गई। इसके बाद जो है आप लोग को नीचे फॉर्म की जानकारी दी है, ये फॉर्म आप लोग को भर के भेजना है डॉक्यूमेंट्स के साथ। इसके अलावा इसे स्कैन करके, डॉक्यूमेंट को स्कैन करके भी आप लोग को जो है मेल करना है। तो ये पूरी जानकारी मैंने आप लोग को दे दी है, जो भी आप लोग की वैकेंसी निकली हुई है मींस असम राइफल में कंपनसेशन ग्राउंड के लिए, तो यदि आप लोग भी इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं आप लोग को फॉर्म अप्लाई करने का वीडियो बना करके भी दे दूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, जाने से पहले ये कहूंगा, यदि चैनल बने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप लोग के लिए लाते रहो। ओके फ्रेंड, बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।